big on British, because all our fresh beef, chicken and pork is British. Like rump steak and triple cooked chips, as British as thanking the barber for a haircut you hate. Oh, goodness. Terrific, thank you. Or our Cumberlands and gravy, as British as saluting a magpie. Morning, General. Chicken tikka masala, as British as missing a bus, and pretending you didn't want it anyway. And little sumptuous roast pork, as British as a town crier, an umpire and a church choir. In Lincolnshire. Yep, that British. Now that's big on quality, and always little on price. At Walkers, we know baked tastes great. It's magic, you know. Never believe it's not so. It's magic. Walkers Baked. When life gives you potatoes, bake crisps. Classic, vanilla, chocolate, classic, magnum, true to pleasure. Also available in our mini range. Ooh, nice. McCafe, just great tasting coffee. Simple. देवी और सज्जनों, स्काई 711 एमएटीवी के थीम स्पीक्स कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये वो कार्यक्रम है जो लंदन यूके में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में चर्चा करता है। आज के समय में दुनिया में उन सारी विषयों पर सुपरफिशियल चर्चा होती है या ऊपर की चर्चा होती है जिनके अंदर बहुत सारी डेप्थ नहीं होती, और बहुत कम लोगों में ऐसा मादा है जो डीप डाइव करने में यकीन रखते हैं। यदि आदमी की बेसिक चीज़ें, जैसा कह सकते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, जब उनकी वो ज़रूरतें पूरी होती है तो उनके अंदर, मन के अंदर बहुत सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। ये सवाल कभी राजप्रसादों में बैठी माँ मीराबाई के ख्यालों में आए होंगे, ये सेम सवाल रैदास जब जूतियां बना रहे होंगे उसी समय उनके मन में ख्यालों में आए होंगे, और ये सेम सवाल विद्रोही कबीर के मन में भी आए होंगे। ठीक वैसे ही दुनिया जहान में अलग अलग हिस्सों में बसे हुए लोग, अलग अलग खित्तों में बसे हुए लोग जब अपने बारे में और ईश्वर के बारे में या अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सवाल करते हैं तो बड़ा अच्छा और खूबसूरत लगता है, क्योंकि लगता है कि हम किसी अलग प्लेटफॉर्म पर और अलग वेवलेंथ पर हैं। ठीक वैसे ही जब मैं गिरी गुजरात के बारे में सोचता हूँ तो जो पहला नाम मेरे जहन में आता है वो है भावनगर। भावनगर वो सुंदर सा खूबसूरत शहर जो भावनाओं से बसा हुआ शहर है, जहाँ के बासिंदे, जहाँ के लोग बहुत भावनाओं से ओतप्रोत हैं। उसी शहर में से जब एक छोटी सी बेहद खूबसूरत किताब निकल कर आती है, और वो किताब थियोरिटिकल नहीं, अपने खुद के अनुभवों से निकल कर आती है, जिसका नाम है प्रेम योग, जीने की एक राह। मैं इस किताब के लेखक, इन सारी चीज़ों को समझने वाले, अपने जीवन में आत्मसात करने वाले, और अपनी उस खूबसूरत जो उनको एहसास हुआ है, उस एहसास को हम सब के साथ शेयर करने के लिए आज आमंत्रित करूंगा श्री रणधीर, जो प्रेम योग के फाउंडर हैं। श्री रणधीर जी, वेलकम। नमस्कार, वेलकम, थैंक यू। रणधीर जी, जब मैं, जैसा कि मैंने कहा कि जब भी मैं कभी गुजरात के बारे में सोचता हूँ तो शायद पहला शहर जो मेरे ख्याल या जहन में आता है वो है भावनगर, और जब भावनगर के बारे में या वहाँ के, यहाँ के वाशिंदों के बारे में सोचता हूँ तो शायद भावनाओं के बारे में ज़रूर सोचा जाता हूँ, क्योंकि शायद वहाँ के लोगों का मिजाज, खूबसूरती बहुत अलग है। ये शायद लफाजियाँ नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हमने, मैंने महसूस किया है। लेकिन मेरा जो आज के जो पहला सवाल है, आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, दुनिया के जहान के कई दर्शक आपको देख रहे हैं, जो सबसे खूबसूरत जो बात है आज की, कि रणधीर जी उसी भावनगर शहर के निवासी हैं। आपने कह सकते हैं कि वहाँ की गलियों से, वहाँ के गांवों में पता नहीं कितने बरसों बरस तक लोगों के साथ जिंदगी बिताई, और उन सारी जिंदगियों से जो निचोड़ निकाला, उसमें खूबसूरत बात यह है कि कॉलेज के टाइम में हो या कॉलेज के बाद में हो,
अपने मेन काम के अलावा शायद लोगों में एक चीज की बहुत कमी है और उसका नाम है वाचन, मतलब किताबें पढ़ना, लोगों के विचारों को जानना। मैं मानता हूँ किताब एक ऐसी खूबसूरत खिड़की है, जब आप उसे खोलते हैं तो आप एक नई दुनिया का आसमान पाते हैं। आपने पता नहीं कितनी सारी किताबें पढ़ी और एक नई पता नहीं कितने आसमानों का एहसास आपने किया। ठीक वही उसके बाद आप हिमाचल से जो श्री प्रेम नारायण गिरी जी महाराज थे जिनके सानिध्य में आप आए, हम इन सारे विषयों पर आज चर्चा करेंगे क्योंकि दर्शकों को भी ये जानना है कि क्या वाकई में ये सवाल सिर्फ उन लोगों के मन में उठते हैं जो काम नहीं करते हैं, मीन्स जिन्होंने जीवन से संन्यास ले लिया, या फिर ये सवाल उन लोगों के मन में भी उठते हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं और उन 9 to 5 जॉब्स करते हैं, शाम को अपने फैमिली को संभालते, क्या इन सारे प्रपंचों के बीच में भी क्या ऐसे सवाल उठे जाने लाजिमी है। सो इसलिए मैं आपका जितना इंट्रोडक्शन है मैं इस पूरे शो के दौरान कह सकता हूँ कि छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसे डिस्कस करते रहेंगे। मेरा पहला बेहद खूबसूरत सवाल है कि प्रेम योग क्या है और ये ऐसा ख्याल क्यों आया कि प्रेम योग जैसी कोई संस्था या प्रेम योग का फाउंडेशन किया जाना चाहिए था। प्रेम योग असल में मेडिटेशन पे वर्क करता है, योग पे वर्क करता है, और जैसे आपने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिकली जरूरत जब इंसान की खत्म हो जाती है तब व्हाट नेक्स्ट, ऐसा एक वंडर, एक वंडरिंग आदमी के अंदर, विस्मय जिसको बोलते हैं, वो होता है। और वो विस्मय जब आदमी के अंदर होता है तब वो कुछ आगे की ओर सोचता है कि सबसे पहला उसको ये प्रश्न उठता है अपने जहन में कि हु एम आई, मैं कौन, व्हाई आई एम हियर, व्हाट इज द एग्जिस्टेंस। ये बहुत ही निजी तरह के जो प्रश्न है, निजी तरह के जो क्वेश्चन है, वो आदमी के भीतर उठने लगते हैं। इसके लिए उसको जंगल में जाने की जरूरत नहीं होती। ये विस्मय किसी को भी कहीं भी पैदा हो सकता है। आदमी कुछ वर्क करता हो, आदमी संसार में रहता हो, आदमी अपना सामान्य जीवन बिता रहा हो, सामान्य जीवन बिताते हुए भी ये बेहद रहस्यमय, जिसको मैस्टिक क्वेश्चन कहते हैं, ये उठ सकते हैं। और जब ये उठते हैं तो इसके उत्तर और उसका उत्तरदाता व्यक्ति के जीवन में आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। ये एग्जिस्टेंस का बैलेंस है। इस बैलेंस के तहत किसी न किसी अनुभवी आदमी का, जब ऐसे खोजी आदमी को जब खोज उठती है उसके मन में, उसको कुछ प्रश्न उठते हैं, तो उसका उत्तरदाता उसके जीवन में आ जाता है। तो प्रेमयोग अ वे ऑफ लाइफ जो ग्रंथ है वो मुझे, मैं 5-6 साल से गहन ध्यान के दौरान मुझे जो अनुभव उतर रहे थे, और वो अनुभव ऐसे थे कि मैंने उसको न कहीं पहले पढ़े थे, न मेरे लॉजिक से उसका कोई जन्म हुआ था, न मेरी कोई बुद्धिगम्य कोई बात उसमें थी। मतलब सीधे सहज मैं ध्यान के भीतर उतरता था तो कुछ एक बातें, और 72 उसके सब्जेक्ट है, अलग अलग 72 सब्जेक्ट है, तो पूरा जीवन उसमें कवर हो जाता। ये खोज का अर्थ ये नहीं कि हम जीवन छोड़ दें, हम सन्यासी हो जाएं। ये अब गीता देख लो ना, गीता युद्ध के मैदान में आई है, युद्ध के मैदान में उतरी है। कबीर के दोहे हैं, वो कबीर जब अपने काम कर रहे हैं, अपने जुलाहे पर बैठे हैं, तब ये आए हैं। रैदास जी का आपने उल्लेख किया, जिक्र किया, तो रैदास जी अपनी जूतियां बना रहे हैं और उनको ये जो वेद बोलते हैं, वेद का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज, तो उनको ये अपनी जूती बनाते हुए अपने घर में आया। किसी ने जंगल की मतलब एस्केपिज्म नहीं किया है, किसी ने पलायन नहीं किया है, और जो पलायन सिखाता है वो ध्यान नहीं। ज्ञान तो आपको आपकी कर्म भूमि में, आपकी जीवन को, जो आपने जीवन चुना है उस जीवन को अच्छे तरीके से बखूबी से उस जीवन को निभाने की आपको प्रेरणा देता है, वो ध्यान है। ध्यान पलायन सिखाता है, वो ध्यान नहीं है। तो प्रेमयोग अ वे ऑफ लाइफ है, उस मतलब मैंने जीवन का स्वीकार किया है। आप जानते हैं आप कि मेरे माता पिता है, मेरी पत्नी है, मेरे संतान है, मैं स्वयं जॉब कर रहा हूं, मेरा सोशली ग्रुप है, मेरा फ्रेंड सर्कल है, मेरे साथ
ज्ञान के माध्यम से जुड़े हुए सहयोगी लोग हैं। तो हमने जीवन का स्वीकार किया, हमने कर्मयोग का स्वीकार किया, तो अब बहुत योगी हो चुके, बहुत पलायनी हो चुके। हमें अब जरूरत है कर्मयोगी की, जो अपने क्षेत्र में जाकर अपने क्षेत्र को अपना प्रदान दे, बैलेंसली बखूबी अपना प्रदान करे और खुद अपने आप को जानने के लिए भी उत्सुक हो। अपने आप को जानकर जागकर वो भागे नहीं, वो जागकर अपनी जो भूमिका है, जो हमें अदा करनी है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, उसका बखूबी वहन करे। ऐसे कर्मयोगियों की अब जरूरत है हर जगह पे, मतलब खास करके मैं भारत में बोलूं तो ऑनेस्टली जो वर्क करे, जो जो नॉन करप्ट हो, जो 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 देश प्रेमी हो, जो मानवता का समर्थक हो, ऐसे कर्मयोगियों की बहुत जरूरत है। योगी बहुत हो गए, अच्छी बात है, योगी होने चाहिए, तो कर्मयोगी की आज जरूरत ज्यादा है। प्रेमयोग वे ऑफ लाइफ है, यह कर्मयोग सिखाता है। मैं इस कर्मयोग की इस चर्चा पे शुरू करूं, उससे पहले शायद कई सवाल और मन में, उनमें से एक सवाल आपकी बातों से उठा, ध्यान शायद हर एक आदमी के बस का नहीं है, क्योंकि परेशानी यह है कि आदमी उस मोमेंट में जीना नहीं चाहता जिस मोमेंट में जहां पर वो है। होता यह है कि आदमी जब अपने ऑफिस में होता है तो वो घर के बारे में सोचता है, जब वो घर होता है तो अपने दोस्तों के बारे में सोचता है, जब दोस्तों के साथ होता है तो वो अपने घर के बारे में सोचता है। एक ऐसी साइकिल है जिसके अंदर वो फंसा रहता है, मीन्स वो उस मोमेंट में नहीं रहता। लेकिन कई लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि यदि आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टाइम को यदि हम देखा जाए तो यदि आप गूगल करेंगे तो आपको ध्यान की हजारों चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये बता पाए कि ध्यान क्या है और ध्यान कैसे किया जाना चाहिए। शायद ये बहुत साधारण सवाल है, यदि आप किसी स्कूल के बच्चे से भी पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि ठीक है मैं ध्यान करके देखना चाहता हूँ, पर क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे ध्यान करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। सो मैं प्रेम योग क्या सजेस्ट करता है कि ध्यान कैसे किया जाना चाहिए? पहली बात मैं बोलूं कि ध्यान क्या है, आपने पूछा तो जोधा जी, आपने भी बचपन से लेके माँ जी से, पिताजी से, आपके टीचर से, कहीं बड़े लोगों से आपने सुना होगा कि तेरा ध्यान किधर है। बहुत सिंपल सी बात है, तेरा ध्यान किधर है। हमारा ह्यूमन बीइंग नेचर है, या तो हम पास्ट में रहते हैं या फिर हम फ्यूचर में रहते हैं। पेंडुलम से हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो पास्ट या फ्यूचर, पास्ट या फ्यूचर, उसके बीच में चलती रहती है। एक्चुअली ध्यान यानी हमारा प्रेजेंट में रहना, हमारा वर्तमान में रहना। जैसे मैं और आप अभी ध्यान कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, हम दोनों ध्यान कर रहे हैं, आपका कर्तव्य ध्यानपूर्वक कर रहे हैं, मैं मेरा कर्तव्य ध्यानपूर्वक कर रहा हूं, ये ध्यान। सीधी सी बात, ध्यान आंखें मुंद करके बैठ जाना ध्यान नहीं है। ध्यान पूर्वक अपने कर्तव्य को परिपूर्ण करना, निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य को परिपूर्ण करना, ये ध्यान है। और ये निष्ठापूर्वक और कर्तव्य और को परिपूर्ण करने के लिए हमें वर्तमान में रहना सीखना पड़ता है। और ध्यान यानी वर्तमान में रहना, हम जब आंखें मूंद करके बैठते हैं तब हम प्रेजेंट में कैसे रहा जाए, अपने आप को प्रेजेंट में कैसे रखे, एक्चुअली ये सीख रहे होते हैं। और जो आंखें बंद करके हमें जो बिठाया जाता है वो हमें वर्तमान में रहने की शिक्षा दी, मतलब अंदर से ही हमारे भीतर जो थॉट प्रोसेस होती है, जो हमारी विचारधारा चलती रहती है भूतकाल एवं भविष्यकाल के भीतर बीच में, तो उस भूतकाल और भविष्यकाल के बीच में जो हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उस एनर्जी को बिल्कुल मिडल में यानी कि प्रेजेंट में लाना, करंट में लाना, इसको ध्यान कहा। ध्यान यहां से शुरू होता है हमारा कोई भी कार्य। हम अगर खाना भी ध्यानपूर्वक खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया बात है। हम ध्यानपूर्वक लिखते हैं, हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, हम ध्यानपूर्वक देखते हैं, हम हमारी सारी कृति अगर ध्यानपूर्वक करते हैं, यही ध्यान है। और यही ध्यान को हस्तगत करने के लिए, यही ध्यान को सिद्ध करने के लिए हमें बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हमें आदत नहीं है, हमें प्रेजेंट में रह के लाइफ एंजॉय करने की आदत नहीं है। हमें सदैव या तो फैंटेसी में रहेंगे या फिर पास्ट में रहेंगे। प्रेजेंट एंजॉय अगर करना है तो वी हैव टू बी इन प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में रहने की जो प्रक्रिया है वो ध्यान।
और आपने पूछा कि उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको बताऊं कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने काफी कुछ करके ये हालात खड़े किए हैं। ध्यान का सीधा सा अर्थ है कुछ नहीं करना, शरीर से कुछ नहीं करना, न विचारों से कुछ करना, न बुद्धि से कुछ करना, जो कुछ हो रहा है व्हाटएवर हैपनिंग उसको हमें देखना है। वी हैव टू बी अ गुड वॉचर, हमें साक्षी की कला सीखनी है और साक्षी की कला सीखने के लिए हमें अपने विचारों का जो प्रवाह चल रहा है, असंयमित विचार चल रहे हैं, उस विचारधारा को देखना है सिर्फ। और जैसे ही हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि विचार और विचार को बल देने वाली ऊर्जा दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। आज तक हमने सोचा था कि हम एक है, सोच रहा है वो भी एक है और सोचने की जो शक्ति मिल रही है वो भी एक है। सोचने की शक्ति और सोच वो था डिफरेंट थिंग एंड दैट वी फील व्हेन वी सिट इन द मेडिटेशन। तो हमको पूरा धीरे 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 से प्रैक्टिस है, वो आपके इंग्लिश में कहावत है प्रैक्टिस कैन मेक परफेक्ट मैन। तो जैसे हम बैठना सीखते हैं तब धीरे 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 हमारे भीतर से देखने वाला प्रकट होता है जो आज तक अप्रकट था। तो साक्षी प्रकट होता है तब हमें पता चलता है कि ये कोई विचार या कोई पास्ट या मतलब करंट है। आप करंट को पकड़ लो और हमें जो भी करना है वो एक उस विचार को इस संकेत को क्लिक कर लो और क्लिक करके उसको कार्य के अंदर रूपांतरित कर लो, तब जाके हम कर्मयोग, उसको कर्मयोग कहते हैं। मगर हम सोचते ही रहेंगे, पास्ट के बारे में सोचेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, किसी एक विचार को पकड़कर क्लिक नहीं करेंगे तब तक कोई कर्म घटित नहीं होगा। और कर्म जब घटित होता है तब उसका अच्छा या बुरा परिणाम सोसाइटी को, कुछ कर्म से अच्छा होता है सारी सोसाइटी को उसका फायदा होता है, कुछ एक कर्म होता है जिससे सारी सोसाइटी को नुकसान होता है। जैसे आपने हमारे दोनों के बीच में इंटरव्यू की बात हुई, हमने क्लिक कर लिया दोनों ने, आज हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बात को हम लोग, हम दोनों वर्तमान में थे, हम दोनों ने मिलके वो बात को क्लिक किया। मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ। कई बार जो चीज़ आपने कही, वेस्ट में अभी एक नया दौर आया है, वेस्ट में जितने भी कॉरपोरेट वर्ल्ड हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें एक चीज़ पे बड़ा फोकस है पिछले 2 सालों से और वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस वर्ड उन्होंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि शायद वो मेडिटेशन वर्ड को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते थे क्योंकि मेडिटेशन की रूट्स भारत से आती है और उन्हें लगता है कि इस चीज़ का श्रेय कहीं इस देश को ना मिल जाए, इसलिए उन्होंने इस वर्ड को चूज किया, उसका नाम है माइंडफुलनेस। ठीक वैसे ही वेस्ट में लोगों में एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसे नेगेटिव भी देखा जा सकता है, जिसे पॉजिटिव भी देखा जा सकता है, वो कॉन्सेप्ट है योलो, यू ओनली लिव वंस। मतलब आप अपनी जिंदगी एक बार ही जीते, जो आपको करना है वो इस जीवन में आपको जो कुछ करना है आप कर लें, ये लोगों की एक धारणा है। मैं उन्हें ये कहता हूँ कि यू ओनली लिव वंस इन दैट मोमेंट, मतलब जो आपके सामने है, जो आपके साथ घटित हो रहा है, जिनके साथ आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ एक उसी क्षण में ही हो रहा है, उसके उस पहले या उसके बाद वाले क्षणों में नहीं हो रहा है। ठीक, ये सारी चर्चाओं के बीच में यदि मैं नेक्स्ट विषय पर आना चाहूँगा वो है कि दो चीज़ें होती हैं कि हमारे मन में बहुत सारे विचार या सोच आती हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि हम उन विचारों या सोच को पकड़ लेते हैं जो बहुत सुख देने वाली है या फिर बहुत दुख देने वाली है। ये आदमी की एक प्रवृत्ति है, इसीलिए कई लोग जिसे कह सकते हैं चिंता। यदि ऐसा क्या किया जाए, खुद आदमी खुद को कैसे ट्रेनिंग दे कि वो उस सोच पर काबू पा सके, या फिर ये कह सकता हूँ कि वो जो सोच देने वाली जो ऊर्जा है, जो गलत सारे असंयमित विचार हैं जो चारों तरफ से बड़े चले आ रहे हैं, उन पर किस तरह से वो काबू पाए, क्या कोई स्टेप बाय स्टेप कोई ऐसा प्रोसेस है? जी है, बिल्कुल। जैसे असंयमित विचार है तो उसके विपरीत एक अवस्था है, उसको हम आत्मसंयम बोलते हैं, उसके विपरीत है। जैसे मैं आपको बताऊं जोधा जी, कि आप थार डेजर्ट में आंधी उठती है, रेत की आंधी उठती है। अब रेत की आंधी तो हम रोक नहीं सकते, रेत का तूफान तो है, उसको हम नहीं, सैंड स्टॉर्म को रोक नहीं सकते, पर या तो हम अपनी आंखों पे चश्मा लगा लें या फिर अपने चेहरे को कपड़े से ढक लें तो हम उस रेत की आंधी से जरूर बच सकते हैं। तो थॉट प्रोसेस, अनलिमिटेड थॉट प्रोसेस है, आई एग्री, मैं आपसे सहमत हूं।
अनलिमिटेड थॉट प्रोसेस है तो उससे बाहर निकलने का भी उपाय है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थॉट प्रोसेस कब होती है, या आप पास्ट में के बारे में सोचते हैं तब होती है, या फिर आप फ्यूचर जिसको चिंता बोला आपने उसके बारे में अतिरिक्त सोचते रहते हैं, कल्पना है, एक्चुअली कुछ है नहीं ठोस, उसमें देखा जाए तो वो कुछ नहीं है, कल्पना है। भविष्य के बारे में सोचना कल्पना है, पास्ट के बारे में सोचना जो घटित हो गया उसको अब आप कोरिलेट करके जी रहे हैं। मगर आपको मैं बताऊं जोधा जी, आपको कभी वर्तमान में रहते हुए विचार नहीं आएगा, आपने अनुभव किया होगा जैसे आप डांस कर रहे हो, कभी आपने याद किया कि आप डांस कर रहे हो तो आपको कोई विचार आया? आप जब हंस रहे हैं तभी कभी आपने सोचा कि आपको विचार आया? नहीं, वर्तमान अर्थ है विचार का नहीं होना। अब आप देख लीजिएगा, वर्तमान में संकेत रहते हैं, विचार नहीं रहता है। आप अनुभव कीजिएगा। तो मेडिटेशन वो प्रक्रिया है जो आपको आपकी जो असंयमित ऊर्जा बह रही है पास्ट और फ्यूचर की थॉट प्रोसेस के साथ, उसको वर्तमान में लाने में सबसे बड़ा उसका उपयोग है। मेडिटेशन का अगर कोई उपयोग है तो अपने आप को मध्य में खड़े कर देना, मध्य यानी वर्तमान। और जब वर्तमान में रहेंगे सबसे पहले विचार बंद हो जाएगा, चाहे वो विचार कल्पना का हो चाहे वो विचार चिंता का हो, दोनों प्रकार की विचारधारा अपने आप सहज स्टॉप हो जाएगी। ये मेरा नहीं, मेरे साथ जुड़े हुए हजारों लोगों का अनुभव है, मैं अनुभव से बात करता हूं आपके पास कि विचार को अगर आना है तो आपको पूछेगा क्या मैं आऊं? दो परिस्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि एक परिस्थिति होती है उसका अर्थ दूसरी परिस्थिति है। जब आप बोल रहे हैं कि असंयमित विचारधारा है, इसका अर्थ है कि विचार शून्य अवस्था है, हमें वहां तक प्रवास करना है, हमें वहां तक जर्नी करनी है। और मेडिटेशन है वो वही जर्नी है, असंयमित विचारधारा से निर्विचार अवस्था तक की जर्नी है वो मेडिटेशन के थ्रू हम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। मैं उसका आपके सामने प्रतीकात्मक उदाहरण हूं और मेरे पास कहीं ऐसे लोग हैं जो इस अवस्था को उपलब्ध हो चुके हैं, ये हो सकता है। मैंने जैसे हम कुछ और विषय भी हैं जिसके अंदर यदि देखा जाए कि मेडिटेशन से उस व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक रूप से या फिर उनके विचारों में या उनके विजन में क्या फर्क आता है, ये शायद हजारों लोग जानते हैं और इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है। मैं जब पुराणों या इनकी बात सुनता हूं तो कई बार ऐसा लगता है मुझे कि उनका महात्म्य मीन्स उनका उनकी बड़ाई या उनका वर्णन बहुत है, पर एक्चुअल में क्या किया जाना चाहिए, कर्म क्या है, या इसे मेडिटेशन को किस तरह से किया जाना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, इसके बारे में बहुत कम लोग बोलते हैं। उनका फायदा क्या है, मेडिटेशन क्यों करना चाहिए और मेडिटेशन का फायदा क्या है, इसके विषय पे तो जानकारी बहुत लोगों को हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो हम एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तब तो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चीज पूछना चाहूंगा कि जीवन के कौन से स्टेज में, जब भावनगर में आप या पास के गाँव में जब आप स्टूडेंट थे या श्यामलदास कॉलेज में जब आप स्टूडेंट थे, या फिर ऐसी कौन सी स्टेज आई जब आपको लगा कि नहीं मुझे शायद इस विषय पर कुछ काम करना चाहिए, ऐसी कौन सी स्टेज थी वो? एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो मुझे ये इसको थियोरेटिकल बहुत बाद में पता चला कि ये मेडिटेशन की अवस्था है। बहुत बचपन से बिल्कुल करंट में रहना, शून्यावस्था का बहुत बचपन से मुझे एक्सपीरियंस हो रहा था। और जब मुझे मेरी 5 साल की उम्र में मेरे समाधिष्ठ सदगुरु प्रेमनारायण गिरी जी मिले तो पता नहीं फिर धीरे 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 ये अवस्था में और बढ़ोतरी हुई। फिर मेरी पढ़ाई हुई तो मतलब मैंने देखा कि एक बात मेरे साथ घटती रही कि मैं सदैव एक बात करता रहा जोधा जी कि मैंने काम कर सकते हैं इस विषय पर
इस विषय पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और मेडिटेशन कैसे किया जाए इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक हम अपने सुधी दर्शकों से एक संक्षिप्त सा ब्रेक लेते हैं, जाइएगा नहीं। हम जीवन कैसे जिए इस पर We're big on British, because all our fresh beef, chicken and pork is British. Like rump steak and triple cooked chips, as British as thanking the barber for a haircut you hate. Oh, goodness, terrific, thank you. Or our Cumberlands and gravy, as British as saluting a magpie. Morning, General. Chicken tikka masala, as British as missing a bus, and pretending you didn't want it anyway. And little sumptuous roast pork, as British as a town crier, an umpire and a church choir. In Lincolnshire. Yep, that British. Now that's big on quality, and always little on price. At Walkers, we know baked tastes great. It's magic, you know. Never believe it's not so. It's magic. Walkers Baked. When life gives you potatoes, bake crisps. Classic, vanilla, chocolate, classic, magnum, true to pleasure. Also available in our mini range. Ooh, nice. McCafe, just great tasting coffee. Simple. New Cashel Quilted Tubeless is, well, tubeless. We've ditched the cardboard tube and instead packed more sheets into every roll. Which means, if it seems to be lasting longer than normal, that's because it is. New Cashel Quilted Tubeless. No tube, just more paper. Either through our trusted dealers or delivered to your door. Every car includes a warranty. That's just what we do. And we guarantee your lover will give your money back to you. Search heycar.co.uk. There's no animal like them. There's no place like their home. But they're losing their home. And we're losing the elephants. Please help WWF protect them and their homes. Help us support local communities so elephants and people can thrive side by side. Call 0800 035 5916 or search WWF Adopt an Elephant and adopt a better future for elephants for just £3 a month today. You know, Till, Dead Happy Life Insurance is really, really cheap. Are you being paid for this? Sign up now and they won't charge you for your first 2 months. Dead Happy Life Insurance redesigned. It's just cheap. With Plusnet's fibre, you get great value, reliable broadband for just £21.99 a month for 18 months. And with full fibre now available, you could scroll, stream or shop even faster. All with our award-winning customer service squeezed in. Offer ends 26th of October. Search Plusnet fibre now. Going again. They met, sorry. Working, sorry. Working, they met. Working all day long. I keep again. We know how hard you work for the money you invest. Again. Hot wax. Anyone for hot wax? That's why we offer investment coaching from qualified financial advisors entirely for free. Again. You work hard for your money. Best invest it. Book a free coaching call today. गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर शो थीम स्पीक्स। हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है और कैसे होता है, और हम एक विशेष शाखा जिसे कह सकते हैं कि प्रेम योग पर चर्चा कर रहे थे। किसी बहुत अच्छे सुलझे हुए इंसान ने बहुत अच्छी खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी, उन्होंने कहा कि प्रेम कुछ ऐसा भी करता है कि आस्तिक का बदल देता है ईश्वर,
प्रेम एक ऐसी सत्ता है, ऐसी ताकत है, प्रेम कुछ ऐसा करता है कि आस्तिक का बदल देता है ईश्वर, नास्तिक को देता है एक नई राह, उसे नया रास्ता दिखा देता है, करता है स्वर्ग च्युत किसी धीर प्रशांत को, मतलब वो किसी स्वर्ग से किसी धीर प्रशांत को निकाल देता है, योगी को देता है तृप्ति का वरदान। शायद प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो ईश्वर प्रदत्त जितने भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो आदमी प्रेजेंट मोमेंट में उसे महसूस कर सकता है। इस तरह का प्रेम का शायद अनुभव है, हर आदमी को खुद का अनुभव हुआ है, जो हम चर्चा कर रहे थे कि ये अनुभव शायद ये एक अनुभवों की श्रृंखला ही है जो सदियों सदियों तक, सिविलाइजेशन जब शुरू हुआ, जब मनुष्य जब इस धरती पर आया, तब से शायद अनुभव के पीछे ही दौड़ रहा है। उन्हें लगता है कि कुछ बेसिक ज़रूरतों के बाद में कुछ खूबसूरत अनुभव होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनका रोल इस धरती पर सिर्फ जीने खाने पीने और मरने के अलावा भी उनका कुछ रोल है, और हर आदमी ये महसूस करता है कहीं ना कहीं। हमारी चर्चा चल रही थी तो हमारी चर्चा का पहला विषय है ब्रेक के बाद का, कि मेडिटेशन कैसे किया जाए। एक बहुत बेसिक सवाल है जो बहुत सारे लोग सार्वजनिक रूप से कहने से कतराते हैं, या फिर सार्वजनिक रूप से विषय को समझा नहीं पाते। सो मैं चाहता हूं कि प्रेम योग के हिसाब से मेडिटेशन के एक साधारण नए एंटेंट को कैसे किया जाना चाहिए। सबसे पहले शरीर है, शरीर सबसे पहले वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मैटर से एनर्जी की जर्नी है। तो शरीर है तो फाइव एलिमेंट्स भी है, क्योंकि फाइव एलिमेंट्स और शरीर का कोरिलेशन है। तो सबसे पहले हमें शांति से बिना किसी दिक्कत के हम बैठ सकते हैं, जिस पोस्चर में, किसी भी पोस्चर में बैठते हैं, किसी भी पोस्चर में। मान लो कि किसी को चेयर पे बैठने का मजा आ रहा है, चेयर पे बैठने का, आप मेरी बात को समझ लीजिए, किसी को बेड पे मजा आ रहा है, किसी को जमीन पे बैठ के मजा आ रहा है, क्योंकि सबसे पहला है बॉडी कंफर्ट जोन कब किस पोस्चर में अपने आप को अनुभव कर रहा है। चेयर पे बैठ के मजा आ रहा है, चेयर पे बैठा जाए। बेड पे बैठ के मजा आ रहा है, बेड पे बैठा जाए। जमीन पे बैठ के मजा आ रहा है, जमीन पे बैठा जाए। सबसे पहले मजा आपको, आप कितने लंबे अरसे तक आप किस पोजीशन में बैठ सकते हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं है कि पद्मासन लगा लो, ये लगा लो, आपको बैठने में मजा आना चाहिए, आपका बॉडी कंफर्ट फील करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि बॉडी को सबसे पहले मनाना है, उसको आदत नहीं है। तो सबसे पहले सिटिंग से शुरुआत, सिटिंग से होती है। फिर दूसरी अवस्था जो आती है जिससे हम मुलाकात करते हैं, वो है मन, जो विचारों का एक झुंड है। आप समझ लो कि एक विचारों का एक तूफान है, जिसको हमने नाम दिया है मन। हम उसके संपर्क में आएंगे, बॉडी जैसे कंफर्ट जोन में रहेगा। फिर दूसरा जो आता है, हम आंख इसलिए बंद करते हैं क्योंकि हम भीतर जो साइकिल चल रही है ऑटो मोड में, उसका अगर अनुभव करना है तो हमें आंखें बंद करनी पड़ेगी। खुली आंख से हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, बंद आंखें इसलिए करनी है क्योंकि हमारे भीतर एक तूफान चल रहा है विचारों का, और अगर उस विचारों के तूफान का साक्षात्कार करना है तो आंखें बंद करनी, और तब जाके हम मन नाम की अवस्था के मुलाकात करेंगे, उस अवस्था से हम भेंट करेंगे। और मन नाम की अवस्था से ऊपर उठना है, अनियंत्रित विचारों की अवस्था से ऊपर उठना है, तो हमें हमारे भीतर जो साक्षी है, साक्षी विटनेस, जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव करना। जो साक्षी है वो इन्वॉल्व नहीं होगा थॉट प्रोसेस के साथ, जो विटनेस है वो थॉट प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा, वो सिर्फ वॉच करेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। और धीरे धीरे जो थॉट प्रोसेस में एनर्जी वेस्ट हो रही है वो कलेक्टिव मोड में आएगी, वॉच करने से उसका वेस्टेज बच जाएगा और सेंट्रलाइज होगी। फिर माइंड, माइंड का लेवल जो है बुद्धि का स्तर, जैसे ही साक्षी मन से ऊपर उठेगा तो उसको बुद्धि के स्तर से साक्षात्कार होगा उसका। तो बुद्धि लॉजिक देगी, तर्क देगी, तेरे को क्या जरूरत है, मेडिटेशन की कोई जरूरत नहीं है, तू मेडिटेशन क्यों कर रहा है, तू पैसे के पीछे जा, तू प्रसिद्धि के पीछे जा, तुझे काफी काम करने हैं, बहुत से काम बाकी, आपके पेंडिंग काम भी याद दिला देगी,
ये बुद्धि का काम है, लॉजिक का काम है। जब आप लॉजिक लेवल से संपूर्ण आपकी इच्छा शक्ति को जब आप पावरफुल करेंगे, जो विटनेस है उसके साथ आपका विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति, उसको भी आपको प्रबल करना है, आपको ही प्रबल करना है, तब आप आपके ईगो लेवल से मिलेंगे, ईगो लेवल। और जब आपके ईगो लेवल से मिलेंगे तब आप एक युद्ध का अनुभव करेंगे, क्योंकि ये मेडिटेशन की जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, उसमें अगर कोई मरता है तो अहंकार है, और ध्यान में उतरने से अगर आदमी को कोई रोकता है तो वो भी अहंकार है, और ये राम रावण का युद्ध अपने भीतर शुरू हो जाता है, अपनी ऊर्जा और अपने अहंकार के बीच में। और जब उससे हम ऊपर उठते हैं अहंकार के स्तर से, फिर चित्त का स्तर आता है, चित्त जो जिसको हम एनर्जी की आंखें बोल सकते हैं, चित्त। और चित्त के चित्त एक जैसे आप आपके स्टूडियो में आए तो आप कोई वाहन लेके आए होंगे, कोई कार लेके आए होंगे। अब आपकी कार कहां पड़ी है? बाहर पार्किंग में, आप स्टूडियो में। तो चित्त आपको आपके मूल स्थान तक, आपकी मूल अवस्था है, आपकी मूल अवस्था है आनंद, शांति, प्रेम, संतोष, सद्भावना, ये आपकी मूल अवस्था है। ये आप कहीं से बाहर से नहीं लाते हैं, आप उजागर करते हैं इसको। और जब आप चित्त से अपने भीतर, शरीर के भीतर रही ऊर्जा, जिसको बहुत से नाम दिए गए भारत में, उसको आत्मा कहा है, आपके पश्चिम ने उसे सोल कहा है, इस्लाम उसको रूह कहता है, बहुत से नाम है, पर एक ही अवस्था है, वो आपके शरीर को चलाने वाली एनर्जी का नाम है। आप नाम कुछ भी दो, साइंटिफिकली नाम है, आपके शरीर को जो एनर्जी रन कर रही है वो है। आप उससे भेंट कर रहे हैं तो आप शांति से भेंट कर रहे हैं, आप प्रेम से भेंट कर रहे हैं, आप निर्विचारिता से भेंट कर रहे हैं, आप सद्भावना से मिल रहे हैं, आप संतोष से मिल रहे हैं, आप दान से मिल रहे हैं। ये सब आपके भीतर सुषुप्त जो अवस्था है, आज तक डीएक्टिव थी, वो मेडिटेशन के माध्यम से जब एक्टिव हुई है, आप उसी को मिल रहे हैं। आपको कोई कुछ बाहर से नहीं दे रहा है, कोई किसी को कुछ बाहर से दे भी नहीं सकता है, सिवा इशारा कि गो इनसाइड, जॉय इज विथ इन यू। ये जो आनंद है, ये आनंद आपको कोई आशीर्वाद में नहीं दे रहा है, और आशीर्वाद से मिल गया वो आनंद आनंद नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो छलावा है। आनंद आपको आपके भीतर उतर कर किसी से मार्गदर्शन ले ले, किसी से भी मार्गदर्शन ले ले, इस पे चलना आपको। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा जो बहुत लोगों का सवाल जी, है जी, जी। जो आपने कहा मैं उसको लॉजिकली सोच रहा था कि इतने हजारों लोग हैं, हजारों लोगों ने अपने अपने तरीके बताए, लोगों के मन में कि जब वो बैठते हैं, बैठने के बाद यदि उन्होंने आंखें बंद कर ली, जब वो सोचते हैं तो वो जो विचारों का जो झंझावत चलता है, मीन्स जब वो मन की स्थिति से टकराते हैं, तब जब आपने कहा कि हमें साक्षी भाव में आ जाना है, और साक्षी भाव से फिर उसके बाद मन है, फिर आप बुद्धि हैं, फिर ईगो हैं, चित्त तक पहुंचते जाएंगे, लेकिन वो जो साक्षी भाव का जो डेवलपमेंट है, आंखें बंद करने के बाद आदमी क्या करे, या कुछ क्षणों के लिए वो या तो क्या सोचे, या किस पर फोकस करें, या किस पर अपना ध्यान रखें? जोधा जी, एक जापान में एक थेरेपी है, जापान में, और क्योंकि जापान में आपने औषधन बहुत बड़ी उम्र के लोग हैं, आपको भी मालूम है, तो अकेले रहते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उनका डिप्रेशन दूर करने के लिए जापान में फिश टैंक है, जहां पे मछलियां परिभ्रमण करती है जल के अंदर, और ये जो डिप्रेस्ड लोग हैं वो जाते हैं, बैठते हैं, और ये साबित हुआ है कि मछलियों का परिभ्रमण देखते 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 धीरे 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 लोग डिप्रेशन से बाहर आ गए। क्यों? तो उनका चित्त जो है, उनका जो डिप्रेस्ड जो उनके था, वो चित्त डाइवर्ट होके जो मछलियां मनोरंजन कर रही है उसके ऊपर लगा, तो जहां मनोरंजन हो रहा है उस जॉय की एनर्जी को डिप्रेस आदमी ने सक करके अपने आप को जॉयफुल कर लिया। आप देखिएगा जब आप मूवी देखने जाते हैं तो कोई फाइट का सीन आता है तो आपकी चेयर पे बैठे बैठे आप भी कुछ लगेगा आपको कि मैं भी दो मुक्के दे दूं। जब लव का सीन आएगा तो आप भी थोड़े रोमांटिक हो जाएंगे।
तो ये हमारे चित्त का स्वभाव है कि हम जहां पर अप्लाई करते हैं अपने चित्त को, वो वहां से उस एनर्जी को मल्टीप्लाई करके वापस अपने भीतर लाता है। ये साइकोलॉजिकली बात है, ये कोई मेरी बनी बनाई बात नहीं, साइकोलॉजी है इसके पीछे। अब सदगुरु का एक जो पोस्ट है, एक जो ओहदा है, वो भारत में इन्वेंशन हुआ उसका, सदगुरु का। सदगुरु यानी जो एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है, उसको वो जिसके भीतर से बह रही है, जो उसका वाहक है, जिसके शरीर से वहन हो रही है, ऐसी ऊर्जा का वाहक व्यक्तित्व, उसको हम सदगुरु बोलते हैं। और इसीलिए भारत में ध्यान में अगर किसी को रखना चाहिए तो भारत में ये सजेस्ट किया गया है कि ध्यानम मूलम गुरुर्मूर्ति। क्यों? क्योंकि वो स्वयं निर्विचार होता है, वो स्वयं में स्थित होता है, वो जॉय का एक मटेरियलिस्टिक जो नजारा है, रूप है, जो अदृश्य जॉय है, उसका एक मूर्तमान स्वरूप है। और आप उसके ऊपर चित लगाते हैं तो जितनी आपकी एनर्जी है, जो डिप्रेशन की एनर्जी है, ओवरथ्रो प्रोसेस की एनर्जी है, आप पास्ट में है या फ्यूचर में, वो सारी कलेक्टिव मोड में अपने आप आ जाएगी। ये साइकोलॉजी है, ध्यानम मूलम गुरुर्मूर्ति। जो भारत में जो ये शब्द है, वो शब्द कोई धार्मिक शब्द नहीं है, साइकोलॉजिकल शब्द है। हम जिसके ऊपर अपने आप को फोकस करते हैं, है ना, कि व्हाट यू आर थिंकिंग यू आर बिकिंग यू आर बिकम है, वो एक शब्द है। तो जिसके ऊपर आप देखते हैं, ऐसे आप हो जाते हैं। कीटक भ्रमर न्याय है अपने यहां। हम जिसका चिंतन करते हैं वैसे हम हो जाते हैं। हम सदगुरु का चिंतन करते हैं तो याद रखिएगा, हम किसी व्यक्ति का चिंतन नहीं कर रहे हैं, हम विशुद्ध ऊर्जा का चिंतन कर रहे हैं। और विशुद्ध ऊर्जा का जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे भीतर जो साक्ष्य है, जो वीक है, वो पावरफुल होता जाएगा, धीरे 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 इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो स्वाधीन हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। सो आप कहना चाह रहे हैं कि जब व्यक्ति बैठे तो वो उस ऊर्जा के बारे में विचार करे, या वहां फोकस करे, या वहां अपना ध्यान लगाए। क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा, अलग अलग लोगों की परेशानियां बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जब आप आंखें बंद करें तो अपने हृदय की तरफ देखें, बस वहीं ध्यान लगाएं। कुछ लोग कहते हैं कि अपना ध्यान आप यहाँ लगाएं, कुछ लोग कहते हैं अपना ध्यान यहाँ लगाएं, कुछ लोग कहते हैं कि अपना ध्यान यहाँ लगाएं इस जगह, कुछ लोग कहते हैं कि सांसों सांस जो आ और जा रही है आप उस पर ध्यान लगाएं, कुछ कहते हैं कि आप जो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइन है, आप उस पर फोकस करें। तो हुआ ये कि कहते सभी, और कुछ लोग कहते हैं कि एक बिंदु पे ध्यान करें, कुछ कहते हैं कि अपने सदगुरु पे ध्यान करें। ठीक है, मैं ये एक चीज़ इस चीज़ से तो बहुत सहमत हूँ कि एक्चुअल में वो कह रहे हैं कि आप फोकस करें किसी एक विषय पे, और धीरे धीरे जब आप फोकस करेंगे तो बाकी सारी चीज़ों से जो अनकंट्रोल्ड सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो आपका ध्यान है, जब आप ध्यान में उतर जब आपने ध्यान में उतरना सीखा, तो आपने शुरू शुरू में किस चीज पे फोकस करना शुरू किया? जोधा जी, मुझे मतलब सीधा सा बोलूं, मैं अरूप से ही ध्यान में उतरा हूं। मैंने कभी किसी रूप पे अपने आप को फोकस कभी नहीं किया, पर हरेक की ये क्षमता नहीं होती है। मैं सदैव अरूप से ही ध्यान में उतरा हूं। मैंने किसी रूप पे अपने आप को स्थिर करके फिर स्थिरता का प्राप्त नहीं किया है। मैं पहले से, मतलब 4-5 साल की उम्र से कहूं, या अरूप पे मेरा लग जाता था। मतलब मुझे किसी कुछ जगह पर या किसी बिंदु पर या श्वास सांस पर या कहीं पर भी अपने आप को, इवन मैं बताऊं कि मैंने गुरु पर भी अपने आप को नहीं फोकस किया। पर आज का जो टाइम है जोधा जी, वो आपको सोशल मीडिया है, मतलब बहुत सी, देयर इज थाउजेंड ऑफ थिंग्स कि आपको बाहर ले जाने वाली है। अब ऐसी जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में आपको कहीं ना, मैं तो मना करता हूं कि गुरु पर भी मत जाओ। अगर आप उस क्षमता के हैं कि आप अपने आप को अरूप पर ले जा सकते हैं, यू कैन, मैं सबसे पहले प्रिफर करूंगा कि आप अरूप से शुरू करें। मगर आप नहीं कर सकते तब मुझे कुछ देना चाहिए कि आप रूप से अरूप की यात्रा तक आए। और अगर रूप पे आपको कुछ फोकस करना है तो मुझे सबसे नजदीकी और सबसे कुछ जो प्रयोगात्मक तरीके से मुझे जो सही लगा है वो है अपने सदगुरु पे फोकस करना। ये प्रायोगिक बात है, क्योंकि
एक आदमी जैसे बोलते हैं ना, एक सिद्ध स्थल होते हैं, जैसे आपका माउंट आबू है उसको सिद्ध स्थल बोलते हैं, हिमालय है वो सिद्ध स्थल है। सिद्ध स्थल मतलब किसी ने वहां साधना करके, अब गुजरात में गिरनार है उसको सिद्ध स्थान बोलते हैं। सिद्ध स्थान का अर्थ है कि जहां पे किसी ने मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके पॉजिटिव एनर्जी को स्टोर किया है। तो आदमी जैसे वहां जाता है तो उसको वहां तक जाना नहीं पड़ता है, वो जो स्टोर की हुई एनर्जी है उस स्टेट का एक्सपीरियंस उसको अपने आप हो जाता है। तो सदगुरु भी जंगम सिद्ध स्थल है, उसने भी अपने आप कुछ अचीव किया है। और जो सकारात्मक एनर्जी है, जो उसके शरीर से बह रही पॉजिटिव एनर्जी बह रही है, उस पॉजिटिव एनर्जी का सीधा संपर्क आप उसके मैटर पे आप फोकस करोगे तो मैटर 2 मिनट में विलीन हो जाएगी और अरूप पे आप अपने आप उतर जाएंगे। ये प्रायोगिक है, क्योंकि जैसे मैंने सोचा कि मैं अरूप पे जा रहा हूं, बाकी लोग नहीं जा रहे, तो उनका वो 1 मिनट के अंदर उनकी गुरुमूर्ति विलीन हो जाती है और वो अपने भीतर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके संपर्क में आ जाते हैं। और फिर धीरे 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 धीरे, मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन बैठ गए आधे घंटे तक बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पर ऐसा भी नहीं होगा कि आप कभी आधे घंटे घंटे भर के लिए नहीं बैठ सकते, उसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। और वो शुरुआत तो सदैव 5 मिनट 10 मिनट ऐसे ही होती है। और बोलते ना कि गुड बिगिन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत जो होती है उसका अर्थ है कि कार्य आधा सिद्ध हो गया। आप बहुत सही कह रहे हैं शायद, पर बैठने से शुरुआत होती है। कई बार ऐसा होता है कि जीवन को बदलने देने वाली घटनाएं कुछ क्षणों में होती है। गौतम जिसे कहते हैं सिद्धार्थ, उनके जीवन में सडनली एक बड़ी घटना हुई, उन्होंने राजप्रसाद त्याग दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया और एक बहुत बड़े चीज़ का निर्माण किया और बुद्ध धर्म का उन्होंने निर्माण किया। हरमन हेस एक बहुत फेमस राइटर रहे हैं और नोबेल प्राइज़ उन्होंने जीता और उन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी सिद्धार्थ से। उन्होंने कहा कि एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक ऐसा अनुभव है जिसे आप पाने के बाद उसको वाकई में शब्दों में किसी दूसरों के साथ बयान नहीं कर सकते। इसे आप महसूस तो कर सकते हैं, जो आपके साथ घटित हो रहा है, जो आप महसूस कर पा रहे हैं वो आप खुद तो महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन हूबहू जैसा आप महसूस कर पा रहे हैं वो एक्सपीरियंस या वो अनुभव आप अपनी धर्म पत्नी, अपने शिष्यों, अपने मित्रों के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस है। मैं ब्रीफली, इस आपने जब ये इसको एक्सपीरियंस किया तो उस एक्सपीरियंस का आपको क्या फ़ायदा नज़र आया, आपको कैसा फील हुआ अपने खुद के इस कर्मयोग क्षेत्र के बारे में? आप तो तुलसी की एक पंक्ति से मैं शुरुआत करूंगा कि गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। तो ये एक्सपीरियंस तो ऐसा होता है जोधा जी कि खुद के साथ घटित होता है, पर दूसरों को क्या होता है, दूसरों को भी कुछ होता है। दूसरों को ये होता है कि आपकी प्रेजेंस में उस वो अपने आप वर्तमान में आ जाता है पहला। और उससे भी आगे कुछ कहूं मैं तो आपकी आंख की चमक है वो बदल जाती है। सबसे पहले आपकी आंखों में समंदर से गहराई अनुभव होने लगती है देखने वाले को। सबसे पहले आपके सराउंडेड आदमी जॉय, पीस, प्रेजेंस, लव ये फील करता है। अनजाना आदमी भी आपको चाहता है और ये नहीं चाहता है कि ये आदमी यहां से जाए। जब आप बोलना शुरू करते हैं अनजाने से, अनजाना आदमी भी ये सोचता है कि इसका बोलना बंद ना हो। और ये सारे सिम्टम्स व्यक्ति के नहीं है, ये पॉजिटिव एनर्जी के, वो एक्चुअली फील कर रहा होता है पॉजिटिव एनर्जी, पर उसको भी पता नहीं होता है कि वो क्या फील कर रहा है। उसको एक ही बात का पता होता है, सामान्य आदमी को अगर ऊर्जा का परिचय होता है, ऊर्जा का अनुभव होता है, तो एक उसको मजा आता, ही एंजॉयड द मोमेंट। रही मेरे अनुभव की बात, तो दिन में तारे नहीं दिखते जोधा जी, दिन में नहीं दिखते, जैसे रात्रि होती है तारे दिखते, जैसे आंख बंद होती है आपके सामने भीतर का विश्व उद्घाटित होता है।
भीतर का विश्व जब उद्घाटित होता है तब ये पांच एलिमेंट्स, ये पांच एलिमेंट्स से बना शरीर, इस शरीर को रन करने वाली कोई ऊर्जा, उस ऊर्जा का आप अनुभव करते हैं, आप समझ लेते हैं कि ये 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 पिंजरा है और ये जो अंदर हमने इच्छाओं से, डिमांड से, मांग के कारण, वासना के कारण जिसको बांध रखा है, वो साक्ष, वो परमात्मा का अंश, वो परमात्मा आपके भीतर है। और तब ये पिंजरा है, ये पिंजरा, ये समझ अनुभवजन्य रूप से जब घटित हो जाती है तब ये पिंजरा मंदिर बन जाता है। और उस मंदिर में रमने वाली जो एनर्जी है वो परमात्मा बन जाती है, तब आपकी बाहर की परमात्मा की खोज बंद हो जाती है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि वो परमात्मा आपके भीतर है और वही देख रहा है, वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, वही पूरे शरीर के तंत्र को, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रुधिराभिषण तंत्र, सारे जो तंत्र है, चिता तंत्र, जो भी तंत्र है, जो बायोलॉजी, जो भी तंत्र बोलते, ये सारे तंत्र इसी ऊर्जा से रन हो रहे हैं। और विचारों के आंधी के कारण हम न उसे कभी मिल पाए थे, न हम कभी उसको मिलने का हमने कभी प्रयास किया, क्योंकि हम उसको बाहर ढूंढते रहे। हमने उसको मंदिरों में ढूंढा, हमने उसको मस्जिदों में ढूंढा, हमने उसको गिरजाघरों में ढूंढा, जो अंदर था। और इसीलिए आपका प्रिय विद्रोही कबीर बोलता है कि तेरा साहिब तुझ में है, झाकी सके तो झांक, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, कहीं नहीं जाना है, कहीं खोजना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, विस्मरण था विचारों के कारण, जो विस्मरण था उसका पुनस्मरण, उसकी पुनस्मृति हो जाती है, फिर न कोई आत्मा रहती है न कोई परमात्मा रहती है। एक कई विषय और है, सागर का अनुभव। मैं एक चीज पूछना शायद भूल जाऊंगा, आपने रिसेंटली जो बहुत खूबसूरत किताब लिखी है प्रेम योग, यदि आपके पास उपलब्ध हो तो दर्शकों को आप दिखला सकते हैं कि जो बुक है, शायद गुजराती में आपने लिखी, उसकी इंग्लिश एंड हिंदी शायद जल्दी लोगों के सामने आएंगी। ये शायद बहुत मैं कह सकता हूँ कि मोटाई के हिसाब से शायद बहुत मोटी किताब हो, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जब आप उतरते हो तो फिर ये सागर है। तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि या तो ये गागर में सागर है, पर यह बेहद खूबसूरत किताब है। मैं इस किताब का शायद बहुत अच्छे से इंतज़ार करूँगा कि किताब जल्दी से हिंदी और इंग्लिश में भी आए, उन सारे दर्शकों तक पहुँचे जो दर्शक इस विशेष भावना में डूबना और उतरना चाहते हैं। जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, हजारों लोग हैं कहने वाले, बहुत कम लोग हैं सुनने वाले, और बहुत 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 कम लोग हैं उसे अपने जीवन में उतारने वाले। शायद फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों के अंदर का एक नया उत्साह लोगों में पैदा हो रहा है, उससे मुझे लगता है कि उतारने वाले लोगों की, जीवन में उतारने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक वैसे ही मैं भी जब इस आपके बारे में, आपके प्रेम योग के और इस इन सारी चीज़ों के बारे में देखा, तो मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये लोगों के, कई लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाएगी, क्योंकि ये हमेशा एक बेहतरीन लोगों के लिए अनुभव लेके आएंगी। मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहूँगा, समय का रेस्ट्रिक्शन है। थैंक्स अ लॉट रणधीर भाई, और हम भविष्य में जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद, नमस्कार।